नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन सोमवार है, आज नए दिन की शुरुआत है। वीकेंड की छुट्टियों से अगर आप खबरों से दूर रह गए हैं तो एक घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके सामने पेश करेंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन का सिलसिला शुरू करें उससे पहले खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं। बिहार की बात करेंगे जहां पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बयान पर बढ़ गया है बवाल। पूर्व सीएम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, जलाए गए हैं पुतले। अंधेरे में डूबे जम्मू कश्मीर के कई इलाके आपको दिखाएंगे। बिजली कर्मचारी वहां हड़ताल पर हैं, सेना और पुलिस ने संभाल लिया है मोर्चा। कुलगाम लिए चलेंगे जहां पर आग का तांडव हुआ, घर जलने से बेघर हुए कई परिवार। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत सर्दी के सितम के साथ करेंगे। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड की चपेट में है। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से तापमान कहीं शून्य के करीब पहुंच गया है तो कहीं शून्य से भी नीचे है। दिल्ली में भी शीतलहरी का प्रकोप जारी है। यमुनोत्री में यमुना जमने लगी है, वहीं श्रीनगर की डल झील धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही है। हिमाचल के सोलन में नलों में बहता पानी जमने लगा है। बागेश्वर में पाला पड़ने लगा है जिससे फलों और सब्जियों के खेत बर्बाद हो गए हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाके भी शीतलहर से ठिठुर रहे हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान पिछले 2 दिन से सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलाव तापते लोग, चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़, शहर शहर में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली और एनसीआर में ऐसा कोहराम मचाया शनिवार से। दिल्ली में ऐसी शीतलहर चल रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जो बेघर हैं, वो इस तरह दिल्ली के रैन बसेरों में शरण लिए हुए हैं। दिल्ली के ज्यादातर रैन बसेरे रिक्शा चालकों और बाहर से काम करने आए मजदूरों से फुल हो चुके हैं। यहाँ 15 दिन का बेड है सर, 15 का 15 फुल हो जाता है। क्या क्या फैसिलिटीज जो हमें सर? बेड है, कंबल है, ब्लैंकेट है वगैरह। उसके बाद पानी वगैरह, गर्म पानी का सुविधा है। बाकी बात सुबह का चाय का, टोस्ट का, चाय पापे का है। दिन में खाना है, रात में भी खाना पीना है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से भयंकर शीतलहर चल रही है। हाल ये है कि अधिकतम तापमान भी बुरी तरह लुढ़क चुका है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री। दरअसल जब अधिकतम तापमान कम हो तो सर्दी का अनुभव ज्यादा होता है। अधिकतम कम होने का मतलब है कि वातावरण को गर्म होने का मौका नहीं मिलता, इसलिए अधिकतम तापमान जितना कम होगा ठिठुरन उतनी ज्यादा होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आज भी दिल्ली में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और अधिकतम तापमान कम से कम सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो तो इसे कोल्ड डे कहा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को मौसम का पहला सर्द दिन था। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम यानी 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो सर्दी से छुटकारा अभी 2 दिन नहीं मिलने वाला। मंगलवार रात से तापमान में इजाफा शुरू होगा। All parts of northwest India and adjoining central India is under the grip of cold wave to severe cold wave. Now prediction is that we have a western disturbance. If you see some clouds, so that is approaching 22nd onward. Okay, so the chances is that from 21 night
the temperature, the minimum temperature will start rising. Okay. So next 2 days we have given the orange color alert for Rajasthan, Punjab and Haryana also. And temperature for Delhi also will rise from 21st night. हालांकि बुधवार से एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी इलाकों में सक्रिय होगा, जिसका असर दिल्ली में 24 और 25 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कितना ताकतवर होगा, इसके बारे में मौसम विभाग अभी साफ कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसकी वजह से शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में हल्की बारिश तक की संभावना है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाके सर्दी से कांप रहे हैं। जरा तापमान पर गौर कीजिए। अमृतसर में कल न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भटिंडा में 0.1 डिग्री सेल्सियस, फरीदकोट में 1 डिग्री सेल्सियस और पठानकोट में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में पारा कल 3.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। हरियाणा के सिरसा में 0.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द शहर रहा। हिसार में 2, नारनौल में 1.2 और रोहतक में कल न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। तो सावधान रहिए, शीत लहर से बचकर चलिए। बेहद जरूरी हो तो एहतियात के साथ ही घर से बाहर निकलिए। दिल्ली से कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मैदानी इलाके सर्दी का सितम झेल रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों का भी हाल बुरा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। देखिए पहाड़ी इलाकों की सर्दी पर ये रिपोर्ट। आप अगर मैदानी इलाके में रहते हैं और सर्दी से ठिठुर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के सोलन की इस तस्वीर को देख लीजिए। सर्दी इतनी कि पानी जम गया। देखिए कैसे शीशे की तरह नजर आ रही है बर्फ की परत। इस ड्रम में रखे पानी का हाल भी देख लीजिए। ऊपर से पानी पूरी तरह जम गया है। आप समझ सकते हैं कि सोलन के लोगों को सुबह सुबह कितनी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। सोलन में न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क गया है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार में खासी तादाद में लोग गर्म सूप पीते भी देखे जा रहे हैं। ठंड तो बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, एकदम तीखी। आजकल ग्लव्स भी और कैप भी दोनों चीजें लगा के रखनी पड़ रही है। हर साल ठंड ज्यादा ही होती है क्योंकि पिछला भूल जाते हैं, तो ठंड तो हर बार बढ़ती जाती है क्योंकि पिछला भूल जाते हैं। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की तस्वीर है। यमुना नदी के उद्गम स्थान में ही यमुना नदी जम गई है। ये पहली बार होगा जब बिना बारिश और बर्फबारी के यमुनोत्री धाम में अधिकतम तापमान -3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया हो। यमुना का पानी भी पूरी तरह जमकर बर्फ का रूप ले चुका है। कपाट बंद होने के बाद से इस सर्द मौसम में यमुनोत्री धाम की ये पहली तस्वीर है। इस प्रचंड ठंड में हनुमान मंदिर के पुजारी, यमुनोत्री मंदिर समिति कर्मचारी और उत्तराखंड पुलिस के सिपाही समेत कुल 7 लोग यमुनोत्री में मौजूद हैं, जो इस माइनस डिग्री तापमान में पूरी सर्दी यमुनोत्री धाम में ही रहेंगे। सर्दी का जबरदस्त प्रकोप उत्तराखंड के बागेश्वर में भी है। बागेश्वर में पिछले 2 दिन से सुबह की शुरुआत कोहरा से हो रही है और दिन भर बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ सुबह और शाम का पारा 0 डिग्री तक पहुँच रहा है। सर्दी से सब्जी और रबी की फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए प्रशासन से मेरा निवेदन है आपके द्वारा कि यहाँ पर कुछ अलाव की व्यवस्था करी जाए। ये बैजनाथ चौराहा है, ताकि अलाव जला के लोगों को ठंड से छुटकारा मिले। सर्दी और बर्फबारी से भले ही आम लोग त्राही माम कर रहे हों, लेकिन उत्तराखंड का एक इलाका ऐसा भी है जहां जश्न का माहौल रहता है। औली फिर से पर्यटकों से गुलजार है। सर्दी और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहां भारी तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। तो सर अभी ठीक है और सुबह काफी लोग आ जाते हैं और लगातार जब से 6 तारीख से बर्फ पड़ी है तब से वीकेंड पर औली में काफी अच्छा टूरिस्ट आ रहा है और लगातार टूरिस्ट हर साल दर साल बढ़ते जा रहा है। एक तरह से सर्दी की शुरुआत है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी का मौसम चरम पर पहुंचता है, जो जनवरी में करीब एक पखवाड़े तक जारी रहता है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून आज तक।
चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के मौसम का हाल। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान और भी नीचे जा रहा है। जहां तक गुलमर्ग की बात है वहां पर तापमान -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा वादी में तापमान -16 डिग्री तक लुढ़क चुका है और द्रास में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम इस वक्त श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में खड़े हैं और कहा जाता है कि जब डल झील जमनी शुरू हो जाएगी तब मान लीजिए कि सर्दी अपने चरम पर है, और कुछ ऐसा ही महसूस आज सुबह ये शनिवार की सुबह को श्रीनगर में लग रहा है, जब डल झील जो है वो धीरे धीरे अब किनारों पर जमने लगी है। श्रीनगर का डल झील जो है वो अब धीरे धीरे जो है इस तरह से जमने लगा है और बर्फ़ की जो परत है वो साफ इस झील पर दिख रही है, और यही अंदाज़ा है कि कश्मीर का डल झील जब जमने लगेगा तब जाहिर है कि कश्मीर में कितनी ज़्यादा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी ठंड जो है और बढ़ सकती है, और 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर में और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो रही है, जिसके बाद पूरे कश्मीर में बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। बात अब सियासत की करेंगे। मौसम भले ही सर्द हो लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। कल बीजेपी ने अपने विपक्ष को ढेर करने के लिए एक तरफा नहीं 6 तरफा प्रहार किया, और प्रहार भी ऐसा कि 6 बड़े दिग्गज अलग अलग जगहों से जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की धुरी है, और जो इस धुरी को नचाता है वही देश की सत्ता पाता। ये वजह है कि इस धुरी को नचाने की ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी यूपी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को धूल चटाना चाहते हैं। अभी तक एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट प्रमोशन कर रही थी, लेकिन अब उसने एक बार में ही 6 बड़े चुनावी धमाके किए। 6 जिले 6 दिग्गज नेता और 6 तरफा हमला। बीजेपी ने एक बार में ही विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक साथ जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगहों से वार किए। इस यात्रा की शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा, इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुओ लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए प्रचार का जिम्मा मथुरा से संभाले हुए हैं। भगवा कपड़े और हिंदुत्ववादी छवि ग्रहण किए हुए योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन किए, फिर जनता को पुरानी सरकार के दौरान हुए दंगों की याद दिलाकर यूपी पर लगे जख्मों के निशान दिखाए। पिछली सरकारों में क्या होता था, ये यही करती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहरबाग में क्या होता था? पहले जवाहरबाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। जनता का विश्वास फिर से बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए झांसी से प्रचार की कमान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली है। लोग कहते हैं जनता वाले जब भी आते लिख देते हैं हमारी सत्ता हमारे लिए, तो सत्ता को हम समाप्त करें। लेकिन अगर भाइयों आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव, जो कामयाबी
आप लोगों ने दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने हम दिया है, जो धारा 370 को समाप्त करने का हमने किया था वह धारा 370 हम लोगों ने चिट्ठी लगाकर समाप्त कर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी यूपी में बीजेपी की वापसी की जिम्मेदारी तय की गई है। वो बिजनौर से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन पर जिम्मेदारी है बलिया से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की छठी कमान देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास है। उन्होंने गाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ हाथ था और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी माँ बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों को आज इस मंत्र से शपथ है, भूलना मत, भूलना मत उत्तर प्रदेश का वो मंजर जब गरीब के बेटों और बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते थे, भूलना मत। बीजेपी अपनी यात्राओं को भव्य बनाना चाहती है ताकि जनता के मन में बीजेपी की छाप ईवीएम का बटन दबाने तक रहे, और इसीलिए इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करके और काम का साक्ष्य पेश करके बीजेपी जनता का विश्वास चाहती है। अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी, बिजनौर से राम किंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि 2019 के चुनाव में तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सत्ता के लिए शिवसेना मुकर गई। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता मुकर गए। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर दिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना, आपकी एक चौथाई थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम लेना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बात अब बिहार की करेंगे जहां पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल हुआ है। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों पंडितों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि बवाल मच गया। विवाद बढ़ने पर मांझी ने माफी मांग ली। क्या है ये पूरा विवाद देखिए। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हम पटाखे देंगे। कहते हैं तोल मोल के बोल, जुबान अगर फिसली तो मुसीबत का सबब बन सकती है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके बयान पर बवाल मचा है। गुस्से में लोगों ने कल मांझी का पुतला जलाया। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पटना की तस्वीर है तो दूसरी तरफ दरभंगा की। पटना के कारगिल चौराहे पर जीतन राम मांझी का पुतला जलाते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। भगवान के नाम पर, और हम लोग का जो पूजनीय है ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके खिलाफ अनर्गल असोभनीय टिप्पणी के अमर्यादित बात बोलते हैं जिसका कहीं से कोई उचित स्थान नहीं होता है। इस तरह से उस समाज को तोड़ना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। सत्यनारायण भगवान के बारे में पूछ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान कहाँ से आ गए और जो आपत्ति जो सब यूज कर रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। एक बार वो गाली दे रहे हैं मंच पे, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम गाली नहीं दिए हैं। अगर
और यही कोई अन्य वर्ग अन्य समाज के लोग अगर गाली देते उस दलित समाज को तो आज के डेट में भी वो जेल रहते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली देते नजर आ रहे थे। हालांकि जब विवाद ने तूल पकड़ा तो उन्होंने तुरंत इसके लिए माफी भी मांग ली। आप लोग माफ कीजिए, हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण पूजा की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हम लड़ते दे दीजिए। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है। गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी भी हो, माँ सबरी हो या फिर बीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू नगदे दे देना उनसे पूजा करवाते हो। ये हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बहरहाल मांझी के बयान पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है भाई। आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ कर के आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की भाषा भी अब उसी तरह हो रही है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने ब्राह्मण जात के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ये क्षम्य नहीं है। जीतन बाबू मांझी जी अनुभवी राजनेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, एक ब्राह्मण जाति को वो गाली गलौज की भाषा से अपमानित कर रहे हैं, ये कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। दोनों में शर्म लाज नहीं लगता। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन जरूरी होता है। अगर जीतन राम मांझी सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करते तो ये विवाद नहीं होता। राजेश कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। बात अब जम्मू कश्मीर के बिजली संकट की करेंगे। निजीकरण के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए तो कल रात जम्मू कश्मीर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। बिजली बहाल करने के लिए सेना और पुलिस को ग्रिड स्टेशन पर मोर्चा संभालना पड़ा। बताया जा रहा है कि बिजली अब बहाल हो चुकी है। बाजार में अंधेरा, सड़कों पर अंधेरा, मोहल्लों में अंधेरा। कल रात जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कुछ ऐसा ही नजारा रहा। जम्मू के गांधीनगर इलाके का हाल देख लीजिए। रात के अंधेरे में डूबा है पूरा इलाका क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा बिजली संकट इस समय चल रहा है और इसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही है। आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के गांधीनगर इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। एक भी मकान में बिजली नहीं है, सुनसान गलियाँ हैं और बिजली नहीं है। बिजली कर्मी हड़ताल पर गए तो हालात संभालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के इंजीनियर मोर्चे पर तैनात हो गए। ये जम्मू के मीरान साहेब पावर ग्रिड स्टेशन की तस्वीर है। कल रात यहाँ बिजली संचालन की पूरी जिम्मेदारी पुलिस और सेना के जवान संभालते नजर आए। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं और इसके कारण जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। ये जो हड़ताल है ये बिजली के कर्मचारियों ने शनिवार से शुरू की, उनसे प्रशासन ने बातचीत भी की लेकिन बातचीत जो है
बेनतीजा हुई और इसके कारण एक बहुत बड़ा बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। यहां पर जम्मू कश्मीर में सेना की मदद ली गई है, यहां मीरा साहब इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी हैं, यहां मीरा साहब इलाके के SHO मिर्जा सुल्तान स्वयं इस समय भी मौजूद हैं इस पावर ग्रिड स्टेशन में और स्वयं भी वो यहां पर मुआयना कर रहे हैं। सेना के इंजीनियर्स की टीम यहां पर आ चुकी है, पुलिस के भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं यहां पर और यहां पर लगातार मुआयना किया जा रहा है ताकि बिजली की सप्लाई जल्द से जल्द बहाल हो सके। यहाँ कंपैरेटिवली बेटर स्थिति है। हमने मॉर्निंग से ही सेना के आने से पहले ही हमने हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें पहले से डायरेक्शन दी थी कि आप जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं उनका ध्यान रखें, तो हमने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और प्रॉपर पेट्रोलिंग रखी थी कि यहाँ पर कोई बंदा भी इंटरप्शन ना करे। बिजली इंजीनियर समेत जम्मू कश्मीर के हजारों बिजली कर्मचारी शनिवार को बेमियादी हड़ताल पर चले गए। ये कर्मचारी बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी दिहाड़ी और अनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग भी कर रहे हैं।